हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एमआईयू कैप का स्टेबल अपडेट आ चुका है। इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है और रोम की परफॉर्मेंस कैसी आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ क्योंकि ये स्टेबल रोम है और कौन से वर्जन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले अपन सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऊपरी इसका माइंड का इन्फो देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12.6.9 है और स्टेबल अपडेट है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसमें आपको ऑल स्पेक्स का जो फीचर्स मिलता था वो भी इसमें से शायद रिमूव कर लिया गया। आप देख सकते हो वो भी आपको नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो इसका अंदर आपको एंड्रॉइड 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में मैं आपको इसमें दिखाऊंगा क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको सबसे पहले मैं आपको ऐप वॉलेट के बारे में दिखाऊँ तो आपको ऐप वॉलेट एकदम नया देखने को मिलता है जो 12.5 या 12.6 के अंदर देखने को मिल जाता है। उसकी तरह आपको इसमें ऐप वॉलेट देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसकी पावर मेन्यू वगैरह और पावर बटन की बात कर लेते हैं। तो पावर बटन आप देख सकते हो पूरा आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जो 4 टाइप का आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम वगैरह का भी बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 3 डॉट देख सकते हो, तीनों बटन आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे साइलेंट और डीएनडी मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इसमें पूरे नए आइकन पैक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर गूगल सर्च बार का ऑप्शन मिलता है और आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 का यहाँ पर गैशेस मिलता है क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉयड 10 क्यू वर्जन देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद में मैं आपको इसकी सेटिंग में ले जाकर दिखा लेता हूँ आपको इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा सेटिंग का आपको पैनल इस तरह का कलरफुल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिम नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको फ्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन इसमें स्टेबल रोम में नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले स्टेबल रोम ये है, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स दिया, बाकी ये यू रोम या 12.6 बीटा वगैरह वर्जन में ही देते हैं। यहाँ पे आपको आइकन पैक्स का देखने को मिल जाता है, छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में सुपर वॉलपेपर का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का आपको यहाँ पे सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल वॉलपेपर भी इसमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो एनिमी वगैरह, आप कुछ भी कह सकते हो, कार्टून वगैरह का आपको इसमें देखने को मिलता है, जो एकदम अच्छी सी इसमें यूआई देखने को मिलती है। जैसे अप्लाई करोगे मोबाइल का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह का आपको इसमें देख सकते हो फ्री इंस्टॉल वॉलपेपर बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाता है, जो मतलब एक अच्छी बात है। उसके बाद में मैं आपको और दिखा लेता हूँ आगे भी देख सकते हो, नीचे आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के वॉलपेपर। उसके बाद में आपको नीचे ले जाऊँ रिंगटोन वगैरह, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल में ये मिलता है, K20 प्रो, Mi 10 वगैरह हो गया जो उसमें मिलता है। उसके बाद में अपन डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ब्राइटनेस और रीडिंग मोड और कलर आप यहाँ से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। फुल स्क्रीन मोड भी हो गया, यहाँ पे आप ऑटो रोटेट स्क्रीन कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो आप नॉच हाइड वगैरह कर सकते हो। अगर आपके पास नॉच वाला डिवाइस है उसके लिए भी ये रोम आती है। और यहाँ पे आप शो 4G LTE आइकन, शो स्पीड कनेक्शन और यहाँ से आप बैटरी इंडिकेटर वगैरह का चेंज कर सकते हो। इसमें आपको ग्राफिकल्स का ऑप्शन नहीं मिलता है बैटरी का, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें से रिमूव कर लिया गया, सिर्फ आपको परसेंटेज मिलता है बैटरी का 100% और आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से सिंपल से इनेबल कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे देखते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आप 4G LTE आइकन का भी आइकन पैक्स यहाँ से आप ऑन वगैरह कर सकते हो। तो इसमें आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। और नीचे आप जाओगे जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो आपको यहाँ पे मी के साउंड एंड वाइब्रेशन, अलार्म वगैरह जो भी है आप देख सकते हो, इस तरह का आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको वाइब्रेट फॉर कॉल्स का ऑप्शन मिलता है और आपको नीचे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मीडियम, लाइट मोड का आपको वाइब्रेट मिल जाता है। वीडियो प्रोफाइल कॉल इनकमिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे सभी के साउंड के, जैसे कि आप देख सकते हो चार्जिंग साउंड हो गया, स्क्रीन शॉट साउंड हो गया, डिलीट साउंड और बूट एनिमेशन साउंड, तो इन सब के आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपके पास शाओमी का एयरफोन है तो आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं म्यूजिक के रिगार्डिंग वगैरह, तो आप बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हो म्यूजिक से। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो एमआईयू का रखना चाहते हो या एंड्रॉयड का, और आपको टॉप नोटिफिकेशन एक्सटेंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑल दो नया वाला कंट्रोल सेंटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और नीचे आप देख सकते हो कोलास आफ्टर टच वगैरह इस तरह का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आप जाओगे होम स्क्रीन की सेटिंग में सिस्टम लॉन्चर मिलता है, यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर और क्लासिक दोनों ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप स्विच अप करना चाहते हो उसका आप यहाँ पे रख सकते हो। बैकग्राउंड ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड वगैरह वॉलपेपर का इस तरह का ब्लर वगैरह कर सकते हो, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिखाऊँ मैं आपको स्क्रॉल का मिल जाता है फ्लैश न्यू ऐप आइकन होम स्क्रीन, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बार का ऑप्शन, जैसे कि आपको दो मिल जाता है गूगल का और एक नॉर्मल वाला, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐप्स आइकन का भी साइज मिल जाता है, और हाइड ऐप्स आइकन भी आप यहाँ से कर सकते हो, रिसेंट आइटम का भी मिल जाता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो भी है आपको इसमें देखने को मिलता है। शो मेमोरी एक्सेस का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे जाओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको फेस अनलॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट मिलता है और स्क्रीन लॉक मिलता है, तो ये आपको इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखते हो प्राइवेसी SSO इमरजेंसी वगैरह यहाँ पे आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप देख सकते हो रिएक्शन भी कर सकते हो, इन सभी को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो सेटिंग वगैरह को आपको करना हो तो। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हो, मैं आपको बैटरी में ले जाकर दिखा लेता हूँ कि इसमें बैटरी में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप बैटरी में आपको पुराना UI ही देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो नया UI आ रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर की जगह आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल दिखाएगा, और इसमें आपको 30 दिखा रहा है, इस तरह से आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी सेवन मिल जाता है, और नीचे आप ड्रेनिंग वगैरह ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हो, और बैटरी का आप टेम्परेचर जो भी आपको दिखाया शेड्यूल वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टम ऐप्स, मैनेज ऐप्स, डुअल ऐप्स और ऐप्स लॉक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग मिलती है, रीजन, लैंग्वेज, फुल स्क्रीन और शॉर्टकट और नोटिफिकेशन लाइट, क्विक बोल वगैरह और वन हैंड मोड, ये आपको इसमें छोटे मोटे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देखने को मिलता है, वीक हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस मोड वगैरह भी देखने को मिल जाता है। नीचे आप जाओगे तो डिवाइस कितनी बार अनलॉक किया ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा, नोटिफिकेशन कितनी आई है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद इस फीचर्स की बात करें, गेम टर्बो मोड, वीडियो टूल बॉक्स और आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस और MIUI लैब भी मिल जाता है, और लाइट मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो AI फ्री लोडिंग ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आपको ऐप्स की स्पीड आप ओपन करने की काफ़ी फास्ट हो जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो मी अकाउंट का ऑप्शन, गूगल वगैरह, ये आपको छोटे मोटे जो भी है इसमें फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है स्टेबल रोम में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको इसमें सब कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो वगैरह ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। तो यही था इस रोम का रिव्यू, मैंने सोचा दिखा लेता हूँ, और अभी आपको मैं ऐप ओपनिंग भी दिखा लेता हूँ, काफ़ी ऐप्स ओपनिंग फास्ट है, और इसमें आपको थीम में भी आप देख सकते हो आपको 4 टाइप की थीम आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी फास्ट है ऐप ओपनिंग वगैरह, जैसे ही मैं ओपन कर लेता हूँ काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है, कुछ भी मेरा डिले वगैरह इसमें नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो वगैरह यहाँ पे आपको बनाता रहता हूँ कस्टम रोम के रिगार्डिंग, रेडमी नोट 5 प्रो हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम आपको कैमरे की देखने को मिल जाती है, जो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो कैमरे में आप इसमें फोटो वगैरह नहीं कर सकते हो, तो ये फिर रोम का कुछ मतलब नहीं रह जाता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।